असला का, का है टुनी टुनी ये, इसकी करते हैं। पहले क्वेश्चन क्वियन तो वो होती है जिसमें हमारे पास कनेक्टिक एनर्जी भी रिजर्व रहे और मोमेंटम भी रिजर्व रहे सो द आंसर इज डेल्टा जिसमें हमारे पास कनेक्टिक एनर्जी और मोमेंटम रिजर्व रह रहे सो डेल्टा ऑप्शन

जी हमारे पास वी स्क्र डिवाइड जी ग्रेविटी जो है वो तो साइड पर कर लेटा मतलब की जो वैल्यू होगी वो डिपेंडेंट होगी पे <coughs> अब जो हमारे पास एंगल है अब जो साइन नाइनटी है वो जीरो होता है और साइन नाइन हो साइन नाइनटी हमारे पास वन होता है अगर वो वन होगा तब हमारे पास रेंज क्या होगी मैक्सिमम होगी

सेम बॉडी तो एक्शन और रिएक्शन हमारे पास उन्होंने बोला है की सेम बॉडी पे आ, एक ही बॉडी पे होते हैं सो डैट नॉट कुरेक्ट लाइक जरूरी नहीं कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे हो रहे हो लाइक एक्शन हो सकता है like, लाइक आपने बात सुनी हुई है ना लाइक like, स्ट्रिंग और अगर हम किसी मास को स्ट्रिंग के साथ लटकाया हुआ है तो एक्शन इस पे हो रहा है जो लटका हुआ है लेकिन ये जो ऑपोजिट उसको टेंशन दे रहा है वो हमारे पास स्ट्रिंग पे आ रही है So uh, like, जरूरी नहीं रिएक्शन एक ही बॉडी पे हूँ तो उनका मैग्नेटी इतना होता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं नेक्स्ट हैसेज मूविंग एट हंड्रेड किलोमीटर other buses. तो आप लोगों को ये बात बताती हूँ अगर हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रही है और एक कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो अप हो जाती है लेकिन अगर दोनों इसमें आपने किस इस केस में आपने करना है एड लेकिन अगर दोनों की दोनों जो हमारे पास कार है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करिए तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है हमारे पास होती है माइनस इस केस में हमारे पास ऑपोजिट जा रही है तो हम 100 को 80 में ऐड कर देंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर दैट इज अ डेल्टा आपको बताया अब इसमें आपको पता है, डिग्री और डिग्री आप पिछले बार भी हमारे पास आंसर आया था फोर्टी फाइव डिग्री में अगर हमने थर्टी माइनस किया है थर्टी तो एड किया तो हमारे पास क्या एंगल आता है सेवन और उसी में से अगर हमने थर्टी माइनस करें तो हमारे पास एंगल आता है उसकी रेंज आप इसमें सेम होती है तो बीटा ऑप्शन को देखते नेक्स्ट है वन सेवनटीन एंगल ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इज मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज और इक्वल सो so, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इसकी थोड़ी लंबी आ, लंबी है उसको आप ध्यान से देखिएगा अब हमने दोनों को इक्वल रखना है पहले हम रेंज का फॉर्मुला लिख लेते हैं ये हमने हाइट का लिख लिया साइन स्क्वायर वी स्क्वे साइन स्क्टा डिवाइडेड बाई टू जी हमारे पास आगे हाइट इसको इक्वल रख लें रेंज के वी स्क्वेयर साइन टू थीड बाई जी अब वी स्क्र डिवाइडेड बाय जी जो है वो हमारे पास दोनों साइड पे हो गया कैंसिल इधर भी कैंसिल हो गया इधर भी कैंसिल हो गया अब हमारे पास बच गया ऊपर साइन स्क्वेर थीटा डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू साइन टू थी डिवाइडेड बाय नोट नथिंग नेक्स्ट आप लोगों को अभी जो साइन स्क्वेयर थीटा ना साइन स्क्वेयर टू थीटा जो साइन टू थीटा होता है वो इक्वल होता है टू साइन थीटा के और कॉस्ट थीटा के इधर तक हो गया ऊपर वाला रेस कर लेते हैं अब हमारे पास साइन टू थीटा की हम ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं अब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है साइन स्क्वेयर टीटा डिवाइड बाय टू इज इक्वल टू टू साइन टीटा और कॉस कॉसा अब एक साइन टीटा एक साइन टीटा से कैंसल हो गया अब हमारे पास जो रह गई है साइन टीटा अब जो नीचे वाला टू है ना उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई कर दें उस साइड पे भी हमारे पास टू है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर कॉस ठीटा अब ये गया फोर कॉस्ट थीटा अब हमारे पास जो कॉस्ट थीटा होता है ना दिस इज कॉस्ट थीटा वो इक्वल होता है अंडर रूट वन माइनस के अब ये जो हमारे पास थीटा की वैल्यू है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेर ठीटा के इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जिसमें कॉस्ट थीटा है सो so इसको अरेज कर लें अब हमारे पास पुट uh, अप कर लेते हैं साइन थीटा पीछे हमारे पास फोर था फोर कॉस्ट थीटा था ना तो कॉस्ट थीटा के हमारे पास वैल्यू है इक्वल होता है वन माइनस साइन थीटा के नेक्स्ट नेक्स्ट हम दोनों साइड पे अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए ले लेते हैं स्कोयर रूट तो इधर हमारे पास आ गया साइन थीटा फोर का अगर हम आ, वो स्क्र रूट लिया तो हमारे पास सॉरी स्क्र लिया तो हमारे पास फोर फोर का आ गया सिक्सटीन इन टू आ गया वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अब इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाके दूसरी साइड पे हमारे पास उस थीटा वो हो जाएगा बल्कि अभी कर लेंगे अंदर वन था तो सिक्सटीन हो गया माइनस आ गया सिक्सटीन साइंस स्क्टीटा अब जो माइनसटीन साइंस uh, स्क्टा दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगा और साइंस स्क्त में एड होके कितना हो जाएगा so, इधर आ जाएगा हमारे पास अब हम इधर ले, ले लेते हैं अंडर रूट साइंस स्क्वे थीटा का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए सो इट्स नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट

तो वो हमें पता है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम होता है जब भी हमारे पास मैसेज की बात होती है की इनिशियल मोमेंटम हम फाइनल मोमेंटम मोमेंटम से फाइंड करते हैं काइंड ऑफ उसमें कंजर्व रहता है नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड इज ये भी अभी हमने किया था पिछले डिस्कशन में

सो so, उसका क्या था अब जो हमारे पास सिक्सटीन का इंडा मास है तो उसका हमारे पास क्या होगी तो इसको हम आप इसमें आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है ना मैथ सप्रिंग सिस्टम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडरूट मास के अब इसकी रेशो लेके हम चेक कर लेते हैं अब t2 टू डिवाइड बाई टी कर लें क्योंकि हमने t2 जो है वो फाइंड करना है एज इक्वल टू अंडर रूट एम टू अवर एम अब जो टी वन है उस साइड पर जाके उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा देगाप्लाई बाई टी वन अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है डाट इज सिक्सटीन एम नीचे हमारे पास सी एफ एम है और मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो वन सेकेंड है एम एम कैंसिल हो गया अंडर रूट जब सिक्सटीन का लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है फोर सो so, इसका मतलब है हमें फोर सेकेंड लगेंगे सिक्सटीन एम के लिए

तो ये आपने बात याद रखनी है जब भी हमारे पास एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है तो स्पीड की वेलोसिटी होती है ना वो मीटर पर इंक्रीज हो जाती है सो द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा नेक्स्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ एज बेस्ड ऑन सो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स होता है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड के बेस्ड होना है ये हमने पहले भी बात कर चुकी हैं सो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट है कोई ऐसा प्रोसेस बताए थर्मोडाइनिक प्रोसेस प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट तो इसका मतलब में हमारे पास प्रेशर होता है कॉन्स्टेंट होता है नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज सो एनर्जी स्टोर का आपको फॉर्मुला पता स्क्वायर हो, होता है तो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मरा होता है इट स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कैपेसिटर में स्टोर होती है वो अपनी जो दोनों प्लेट्स होती है उसपे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट इन मैटर इन प्रपोर्शन अप्लाइड वोल्टेज As long as temperature of the connector is kept constant, it is called. So, that is the statement of Ohm's law. That is V is equal to R, uh, VI is equal to R resistance. So, it's Ohm's law. Uh, Charlie options correct. Next, uh, 1 kilowatt R is equal to 3.6 mega joule. Ke equal hota hai. So, beta option is correct. Next, uh, the amount of work done in moving a body is certain point in gravitational field to a position of zero potential set that the body is never a is called. सो ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन हो रहा है तो इसको और ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसे पोटेंशियल लेके जा रहे हैं जिससे जीरो पोटेंशियल है दैट इज द कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट्स ये डेफिनेशन है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की सो द आंसर इज चाली नेक्स्ट स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स तो हमने पहले बात की है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ अगर तो वेलोसिटी को डबल इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फोर टाइम्स हो जाती है सो द आंसर इज

सो so, ये हमारे पास क्रिटिकल की डेफिनेशन है लेते हैं अब रेवल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं ना टू रेडियन के साथ 2 सॉरी टू पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे टू पाए के साथ डिवाइड करें हम 4 सेकेंड के साथ फोर वन जो थ्री फोर थ्री थ्री टू जर सिक्सटीन सो थ्री टू जार हमारे पास सिक्स आता है ना तो हमारे पास आंसर आ जाता है सिक्स पाए अब जो पाया पाए की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है थ्री पॉइंट वन फोर के अब थ्री पॉइंट वन फोर को जब हम हम सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है एटीन पॉइंट एट रेडियन पर सेकेंड

कन्वर्ज करता है रेस को और जो कनकेव uh, होता है वो डवर्स करता है लेकिन क्रस्ट ऑफ द वेव में ना कन्वर्जेंस होती है ना ही डवर्जेंस होती है उसमें हमारे पास वेव का एंगल जो होता है वो चेंज नहीं होता सो so, अगर वेव का एंगल उसका चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब एज अ प्लेन मिरर एड करिए और प्लेन मिलर में भी हमारे पास लाइट का एंगल चेंज नहीं होता सो इट्स आमसाइज री लाइक क्रस्ट ऑफ द वेव एक्ट प्लेन मिलर नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ये हमने पहले बात की कि मॉइस्चर पर डिपेंड करता है डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है विंड पे भी डिपेंड करता है लेकिन प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता तो आंसर इज बीटा नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेस विद सो जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ अब टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज होती है लाइक टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास मेटल के जो एटम्स हैं मेटल में उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है दैट्स इंक्रीज इन कॉज इट्स द मोशन ऑफ द एटम्स इसलिए हमारे पास रेजिस्टेंस मेटल की इंक्रीज करता है नेक्स्ट द करंट कैरिंग वायर वेरिज सो करंट कैरिंग वायर्स के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाएर

थर्टी टू ग्राम रिडियक्टिव एलिमेंट एंड लाइफ भी सॉल्व किया दोबारा कर लेते हैं 32, half हो जाएगा फिर एट फोर फोर टू थ्री ये हमारे पास पहली हॉफ लाइफ दूसरी तीसरी चौथी का मतलब है चार है और टोटल हमारे पास टाइम कितना तो टाइम को अगर नंबर ऑफ हॉफ लाइफ के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हॉफ लाइफ का टाइम आ जाएगा that is 60 hour 4 and it gives the half life time 15 days that's the end of the discussion <clears throat> thank you